Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. भाभी की कॉल आई थी मुझे, तुम्हारा पूछ रही थी। यार मुझे तो बताते थे कि तुमने उन्हें मीटिंग का कहा हुआ है। मैं तो बताने लगा था कि तुम आनिया के साथ उसकी बर्थडे पार्टी पे हो। तुमने तंजीला को कुछ बताया तो नहीं? उसे कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। आतिर का फोन कौन देकर गया? पता नहीं, गार्ड बता रहा था कोई बाहर से ही देके चला गया। कुछ बताया नहीं उसने, बस कहा कि तंजीला बाजी को दे दो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हेलो हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आज कौन सा नया खेल खेलने जा रही हो? खेल वही पुराना है, तुम्हारा और मेरा। तुम मेरे आगे आगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे। कब्र तक पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। मैंने आतिर का कोड भिजवाया है, कल रात वो मेरे घर भूल गए थे ना, तो मैंने सोचा मैं भिजवा देती हूँ। आतिर का कोड तुम्हारे घर पर? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? वही जो तुम सुन रही हो। और हाँ, वो जल्दी जल्दी में ड्राई क्लीन करवाना भूल गई थी। अगर ड्राई क्लीन करवा देती तो मेरी खुशबू जो उस कोट में बसी हुई है वो खत्म हो जाती ना। यकीन नहीं आ रहा तो सूंघ कर देख लो, क्योंकि तुम तो ये परफ्यूम लगा नहीं सकती ना, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। अरे आपा आइए बैठिए ना। ये सब क्या है? अम्मी के जेवर है, पॉलिश करवाने के लिए निकाले थे, पर अब सोच रही हूँ कि ये मैं तंजीला को दे दूँ। आखिर हफ्तों उसका ही है, ठीक है फिर वो अपनी जिम्मेदारी खुद संभाले। कोई जरूरत नहीं है ये सब कुछ उसको देने की। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था उस लड़की पे नजर रखो।
नौरीन की हकीकत सामने आने के बाद तुमने उसे दिल से अपनी बहू मान लिया है। लेकिन यूं अंधा एतमाद करने की भी कोई जरूरत नहीं। पापा मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं आप? देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इस लड़की के चाल चलन ठीक नहीं है, जो उस दिन तुमने अपनी आंखों से भी देख लिया था। वो अलग बात है कि तुम्हें मेरी बातों पे अब तक यकीन नहीं आ रहा, इसीलिए मैं तुम्हें दिखाने के लिए कुछ लेके आई हूं। ऐसा क्या ले आई हैं आप मुझे दिखाने के लिए? ये खुद ही देख लो। तस्वीर आपको कहां से मिली? ये लड़का, ये तो तंजीला का कजन है। सिर्फ कजन ही नहीं, उसका आशिक भी। इस तस्वीर से तो यही समझ आता है। आप बस इस तरह की बातें ना करें आप प्लीज। भाई मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, अब ये तुम पर है कि तुम उस लड़की से पीछा छुड़ाओ या अपने गले से लगा के बैठी रहो। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मैंने ही आतिर को तंजीला से बदगुमान करने के लिए इस लड़के का इस्तेमाल किया था और ऐसी पिक्चर पोर्ट्रेट कर दी थी जैसे इन दोनों का आपस में कोई अफेयर है, मगर उस वक्त तंजीला ने बिल्कुल साफ रिफ्यूज कर दिया, मुझे यकीन दिला दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि तंजीला और फैसल के दरमियान कुछ था? ये तस्वीर इस बात का मुंह बोलता सबूत है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आपा, वेट। अव्वल तो मैं ये बात मान नहीं सकती। और अगर इस बात में कोई हकीकत हुई फिर तंजीला को यहां नहीं रहने दूंगी। इसीलिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। कैसा इंतजार? वार तभी करना चाहिए जब लोहा गर्म हो। आपा प्लीज, अभी आप इस तरह की बातें मुझसे ना करें, मैं इस मामले को खुद हैंडल कर लूंगी। मैं जानती हूँ आतिर, इस वक्त तुम्हारा क्या हाल हो रहा होगा। ऐसा गुनाह जो तुमने किया ही नहीं, उसी के एहसास में शर्म से पानी पानी हो रहे होंगे और इसी एहसास से जुर्म में खुद को पल पल कोस रहे होंगे। अब आएगा ना मजा, जब खुद को मेरा कसूरवान मानकर खुद से मुंह छुपाते रहोगे और उस तंजीला से नजरें चुराते रहोगे। लेकिन मुझे सुकून तब आएगा जब तुम इस गलती की तलाफी के लिए मुझे अपनाओगे और मुझसे शादी करोगे। सारी रात जानते मैं कितना फिक्रमंद हो रही थी, कितनी कॉल्स की मैंने आपको, आपका नंबर भी उठा रहा था। क्या हुआ आते? आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? तंजीला जरूरी है मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं, मत किया करो मेरी इतनी फिक्र। Thank you.
अब तक तो आतिर की हालत खराब हो चुकी होगी। बड़े दावे करता था अपनी सच्ची मोहब्बत के, मगर अब वो सारे दावे हवा में रेत के जर्रे की तरह बिखर गए। अब तुम्हें मुझे अपनाने से कोई नहीं रोक सकता, ना तुम्हारी मोहब्बत, ना तुम्हारी उस मोहब्बत के सो कॉल्ड किए हुए दावे, और ना ही तुम। हेलो। फिर वही बेवफाई मेरे यार की, एक यही अदा जो मुझे पसंद आई। हमेशा की तरह अपना काम हो गया तो मुझे दोबारा पूछा तक नहीं आपने। क्या मतलब? मतलब यही कि कल रात के बाद से तो आपने मेरी कॉल्स उठाना तक छोड़ दी। कल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो आपका कहना है, लेकिन हकीकत क्या है ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं भी। चाहती क्या हो तुम? आपसे मिलना। क्या मतलब? जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और कुछ वक्त आपके साथ और बिताना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो सकता और ना ही ऐसा कुछ हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकता था आनिया तुम इस हद तक गिर सकती हो। मैं जानता हूँ आनिया, पता है मुझे उस ड्रिंक में तुमने कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से मैं बेहोश हूँ। मेरी बेहोशी का तुमने फायदा उठाया आनिया। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और आज के बाद आनिया गलती से भी मुझे कभी कॉल मत करना। क्या आनिया सच कह रही है? अगर आतिर ऐसा कैसे कर सकते? मैं अच्छी तरह जानती हूं आतिर मुझे धोखा नहीं दे सकते। तंजीला, तुम बीवी हो मेरी, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। मैं तुम्हारे सिवा अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता तंजीला। मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। अगर वो कोट और उसमें से आती खुशबू आनिया के इल्जाम की गवाही दे रही है, जरूरी है मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। मत किया करो मेरी इतनी फिक्र। बख्श तो मुझे प्लीज, देर हो रही, ऑफिस जा रहा हूं। रिश्तों को बचाने की कैसी वजह से आतिर कल रात घर नहीं आए और सुबह भी जिस तरह उन्होंने मुझसे बात की उसकी वजह आनिया या मेरे खुदाया, क्या करूं? कैसे यकीन करूं इस सब पर जिसे मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं।
आतिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? जिस शख्स ने मेरी खातिर अपनी माँ को नाराज किया, अपनी जान की परवाह किए बगैर सबर जैसे इंसान से दुश्मनी मोल ली, हर मौके पर मेरा साथ दिया, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे आतिर से बात करनी पड़ेगी, और अगर ये सब कुछ सच है तो मैं कभी आतिर को माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। कल रात के बाद से तो आपने मेरी कॉल्स उठाना तक छोड़ दी। ये तो आपका कहना है, लेकिन हकीकत क्या है ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं भी। आपसे मिलना चाहती हूँ और कुछ वक्त आपके साथ और बिताना चाहती हूँ। देखा जो तुमको एहसास हुआ, तुमसे है कोई रिश्ता दिल का, तुम बस मेरे लगे हो आँखों में, तुम ही हो सोचों में।